श्री पंडोखर धाम महोत्सव एवं नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ का शुभारम्भ आज पंडोखर धाम में भव्य मंगल कलश यात्रा से पूर्व दतिया जिले के प्रभारी एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने मंगल कलशों की विधि विधान पूर्वक पूजन के साथ किया। इसके साथ ही पंडोखर धाम में होने वाले परम्परागत पंडोखर धाम महोत्सव एवं नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ हेतु जल लेने के लिए हजारों श्रद्धालु भक्तगण त्रिकालदर्शी संत श्री गुरु शरण जी महाराज के सानिध्य में गाजे बाजे के साथ पुष्पावती नदी के तट पर पहुंचे। यहां पर भी विधि विधान पूर्वक पूजन करके मिट्टी के कलशों में जल भरा गया, जिन्हें महिलाएं अपने सिर पर धारण कर मंगल कलश की शोभा यात्रा के रूप में ग्राम के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए आश्रम स्थित विशाल यज्ञ प्रक्षेत्र में पहुंची और यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए यज्ञशाला के अंदर और बाहर चारों ओर मंगल कलशों को स्थापित किया गया। पंडोखर सरकार धाम के संस्थापक एवं ट्रस्टी मुकेश गुप्ता सागर ने उक्त जानकारी देते हुए बतलाया कि 1111 कुंडीय श्री राम महायज्ञ की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष होने वाले परंपरागत पंडोखर धाम महोत्सव एवं नौ कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आज से विधिवत श्री गणेश हो गया है। इस अवसर पर प्रतिदिन यज्ञ प्रक्षेत्र में बनाए गए विशाल सांस्कृतिक मंच एवं पंडाल में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। पंडोखर सरकार के दरबार हाल में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन पंडित श्री राघवेंद्र पारासर के सानिध्य में होगा। आज से प्रतिदिन रात्रि में संकट मोचन रामलीला मंडल दिवियापुर के तत्वाधान में 21 अप्रैल तक रामलीला का मंचन होगा। 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक साध्वी पीताम्बरा देवी के द्वारा प्रवचन सत्संग होगा। 7 अप्रैल को ही रात्रि में श्री बाबूलाल राजपूत छतरपुर एवं दिलीप सिंह राजावत भिंड के बीच जवाबी कीर्तन का आयोजन होगा। 14 अप्रैल को श्री राम महायज्ञ की पूर्ण आहुति एवं भंडारा होगा, जबकि पंडोखर धाम महोत्सव एवं मेला 20 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेगा, जिसमें प्रतिदिन अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपन्न होंगे। वहीं बाहर से आने वाले दुकानदारों व झूले प्रदर्शनी वालों को जहां पर्याप्त स्थान, भोजन एवं विद्युत पानी की मुफ्त सुविधा दी गई है, वहीं क्षेत्र के आसपास के गांवों से आने वाले श्रद्धालुओं को निशुल्क वाहनों की व्यवस्था की गई है। दतिया पंडोखर से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।